हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम टाइगर शार्क के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये इस टाइगर शार्क की कंडीशन थोड़ी सी डिसेज जरा ज्यादा है, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी दिखाया है और वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू इसको चालू है। टाइगर शार्क के अंदर हम देखेंगे काफी इन्फेक्शन है और काफी प्रॉब्लम है। और टाइगर शार्क में कॉमन डिसेज होती है ये कि इसके आँख के ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है, आँख पूरी बंद हो जाती है। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर फंगस हो जाता है। दोस्तों इस फिश को फंगस हो गया काफी और जख्मी हो चुकी है, दूसरे फिश ने कुछ इसको मार दिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पूरा टोटली इसके पूरे फिंग झड़ रहे। तो मैंने आज दो दिन पहले भी इसका ट्रीटमेंट किया था, उसका वीडियो भी मैंने आपके पास दिया है दोस्तों, तो वो भी दिखा दूंगा। दो दिन पहले की कंडीशन क्या थी और हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, आज दो दिन के बाद थोड़ी सी काफी सुधर चुकी है दोस्तों। और इससे खाना काफी 4-8 दिनों से बंद कर दिया है। तो जब हमारी मछली खाना बंद कर देती है, फंगस इन्फेक्शन होता है, व्हाइट स्पॉट होता है और आंखों के ऊपर प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम में हमें इसके लिए हमें एक ICU स्पेशल टैंक बना के उसको ट्रीट करना होता है। और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ दोस्तों, किस किस मेडिसिन का और कौन कौन से ऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो स्लो इतार हो चुकी है फिश, इस फिश के हम ट्रीटमेंट करने के बाद में ही फिश को एक्टिव कर सकेंगे। काफी इसके अंदर हेल्प फिश की हम हेल्प करेंगे दोस्तों और इसके अंदर फिश को स्ट्रांग करेंगे। तो चलिए अब हम ज्यादा वक्त ना डालते हुए हमारे ICU टैंक में इसको ट्रांसफर करते हैं। और मेडिसिन में कौन कौन सा कितना डाल रहा हूँ तो प्लीज उसके ऊपर केयर करके उतना ही डालिए। ज्यादा भी मेडिसिन डालते हैं हम तो फिश को प्रॉब्लम आते हैं, कम भी मेडिसिन डालेंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो तीन टाइप के जो ये यहाँ पे हमने 8 से 10 दिन पुराना नल का पानी लिया है और उसके अंदर यहाँ पे हमने मेडिसिन की इसके ICU टैंक हमने बनाया है। जब भी हम ट्रीट करते हैं कोई भी फिश को, जो फिश को प्रॉब्लम होता है दूसरे वाले जो टैंक से हमें अलग निकाल कर उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास से अगला प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं
कि हमारे पास में इस टाइगर शार्क काफ़ी स्लो हो चुकी है। इसके जो फिंग हुए फिंग ऊपर से भी पूरे से झड़ चुके हैं फंगस से, वाइट स्पॉट से, और इसको काफ़ी खरोज भी आई है जिसके ऊपर ज़ख्म से कुछ ब्लड भी निकल रहा है और आँख में भी प्रॉब्लम है। तो इसी टाइप से हम दो दिन के बाद में और मिलेंगे, दो दिन के बाद में और इसका आगे का ट्रीटमेंट और करेंगे दोस्तों। इस टाइप से हमें तो हीटर लगा के इस आईसीयू टैंक के अंदर हमें सिर्फ एक ही फिश को रखेंगे और दो दिन के बाद इसका हम देखते हैं इसके ऊपर कितना असर होता है हमारे मेडिसिन का और कितनी क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसी वीडियो के साथ में तो अगले ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों मैं आने वाले दो दिन के बाद में एक वीडियो छोड़ूंगा, उसी के अंदर इसका ट्रीटमेंट का आने वाला जो प्रोसेस है कितना फिश के ऊपर असर हुआ है, क्या फिश की कंडीशन है ये देखेंगे। और अगला जो ट्रीटमेंट है दो दिन के बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दो दिन के बाद में आने वाला मेरा जो ये इस टाइगर शार्क का ट्रीटमेंट का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए, तो आपको समझेगा अगर इनके साथ की भी फिश अगर बीमार होती है इसी टाइप से हमें तो उसको ट्रीट करके हमारे उस मछली की जान बचा सकते हैं और हमारे जो फिश हॉबी है उसको हम कंप्लीट उसको कायम कंटिन्यू रख सकते हैं दोस्तों। तो और अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।